सो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 हेयर मास्क बताऊंगी जो सिंपली 2 या 1 इंग्रेडिएंट से आप रेडी कर सकते हैं। बहुत आसान है इनको बनाना, बहुत आसान है इसको यूज़ करना, और इसके रिजल्ट्स अगर आप एक बार इन्हें यूज़ करके देख लेंगे तो आप इसके टोटली फैन हो जाएंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं डॉक्टर अरवा बोहरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है ड्राई एंड फ्रिजी हेयर्स। स्पेशली ये तकलीफ विंटर्स में बढ़ जाती है, मॉइस्चर की कमी होती है, और जो हमारे बाल हैं इस इन बालों के ऊपर भी इस मौसम की जो मार है वो बहुत अच्छी तरीके से पड़ती है। तो ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, रूखे सूखे और जो बेजान स्पेशली जो एंड्स होते हैं बाल के वो बहुत ज़्यादा रफ़ और गंदे दिखते हैं, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम होने लगता है। सो इस समस्या के लिए आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्टेड ऑन माई यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज व्हाट्सएप कि मैं ऐसा कुछ सजेस्ट करूँ जो बहुत ईजी हो यूज़ करना, जिसके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स असेंशियल नहीं हो और इक्वली इफ़ेक्टिव भी हो। तो दोस्तों, ये तीनों हेयर मास्क बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बेनिफिशियल है, ईजी टू प्रिपेयर है, आपके घर पर पड़ी चीज़ों से ये बहुत आसानी से बन जाएंगे, आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे, साथ में शाइनी और मैनेजेबल भी बनाएंगे। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप सभी के रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड सब्सक्राइब बटन पे आपको बस क्लिक करना है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ड्राई हेयर्स एंड फ्रिजी हेयर्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बट ये कॉमनली देखने को हमको मिलता है ठंड के दिनों में, और क्योंकि ये तकलीफ ठंड में बढ़ जाती है, बाल जो हैं बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं, जिस तरीके से हमारी स्किन हो जाती है रूखी सूखी। तो मैं आपको 3 सिंपल हेयर मास्क बता रही हूँ जिसे आप बहुत आसानी से घर पर बना के और इसे अपने बालों में लगाएंगे अगर तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट सिंपल एंड इजी हेयर मास्क है वो है हनी एंड ऑलिव ऑयल हेयर मास्क। हनी मीन्स शहद, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, दोनों के बेनिफिट से हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, बहुत बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेयर्स के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए और ओवरऑल हमारे बालों की हेल्थ के लिए। तो आपको ये 2 इंग्रेडिएंट्स लेना है, आपको हनी लेना है 1/2 कप, यानी कि 1/2 कप आपको लेना है शहद। उसके बाद जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है ऑलिव ऑयल, ये लेना है आपको 1/4 कप यानी कि 1/4 कप। इसके बाद आपको एक बोल लेना है, एक मिक्सिंग बोल ले लीजिए, आप कांच का लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें इस दोनों ये जो दोनों इंग्रेडिएंट हैं हमारे इनको पोर कर दीजिए, ऑलिव ऑयल और सेकेंड है आपका शहद जिस क्वांटिटी में मैंने अभी बताया, बहुत अच्छे से इनको मिक्स करिए और आपको इसको अब 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करना है। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप इसे गैस पर रखकर 10-15 सेकेंड्स थोड़ा सा हीट कर लें, फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर आपको बोल अपना रखना है हीट करने के लिए। गैस पर कर रहे हैं तो ग्लास बोल नहीं लेना है, आप स्टील का ले सकते हैं, और अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो ग्लास बोल इज़ बेस्ट। इस तरीके से आपको 20 सेकेंड्स इसको माइक्रोवेव करना है या फिर गैस पर हीट करना है 10-15 सेकेंड्स, उसके बाद आप हटा लें। अब आपको अपने रूखे सूखे और जो बेजान बाल हैं उसमें आप पूरी लेंथ में फ्रॉम अपसाइड डाउन आप इसे बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करिए, इसे आप छोड़ दीजिए फॉर 20-30 मिनट्स, और उसके बाद आप गुनगुने पानी से अपने बाल धोइए। ट्रस्ट मी गाइज, इसे इस फॉर्मूला को आप, इस हेयर मास्क को आप यूज़ करना स्टार्ट करिए, आपको
बेनिफिट जो है, आपको जो रिजल्ट है वो एक से दो बार यूज करने के बाद ही दिखने लगेगा। तो हमारा सेकेंड हेयर मास्क है वो है बनाना हेयर मास्क, यानी कि केले से बना हुआ हेयर मास्क। बहुत सिंपल, बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो हमारे घर पर हमेशा हमेशा होता ही है बनाना। अगर नहीं भी है तो आप परचेज करके ले आएँ। एक बनाना आपको लेना है, यानी कि एक केला लेना है। एक मिक्सिंग बोल लीजिए, उसे फोक से बनाना को, पहले बनाना को आप स्लाइस करके उस बोल में डालिए और फिर फोक से या स्पून के हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से उसे मैश कर लीजिए ताकि वो एक पेस्ट बन जाए। पेस्ट नहीं भी बनता तो थोड़ा सा रफली मैश आप उसको कर लें। उसके बाद आप अपने बालों में लगाएं, फ्रॉम रूट टू स्टेप्स बहुत अच्छी तरीके से मसाज करें, स्कैल्प में लगाएं और इसको आपको छोड़ देना है फॉर कंप्लीट 1 आवर, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आपको इसको गुनगुने पानी से वॉश करना है बहुत अच्छी तरीके से। जब आप वॉश करेंगे, फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वॉश, आप देखेंगे कि आपके बालों में चमक है, वो टैंगल्ड नहीं हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये डीटैंगलिंग प्रोडक्ट है। इट ऑल्सो वर्क्स एज अ गुड कंडीशनर, तो आपके बाल जो है वो बहुत सॉफ्ट फील होंगे। पर्सनली ये जो बनाना हेयर मास्क है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें 2 इंग्रेडिएंट भी नहीं लगते। सिर्फ सिंगल सिंपल एक बनाना हमको चाहिए होता है जिसको हमने मैश करना है, लगाना है और धो लेना है। ये मुझे सुपर सिंपल, सुपर क्विक और बहुत बहुत अच्छा लगता है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर यूज़ करिएगा। आप इसे हफ्ते में एक बार आराम से यूज़ कर सकते हैं, वंस इन अ 15 डेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत रफ़ दिखते हैं, बहुत रूखे सूखे और बेजान हैं, तो आप इसे वंस इन अ वीक ज़रूर ज़रूर यूज़ करें। जस्ट फिक्स योर डे, संडे को आप इसे यूज़ करके और फिर अपने हेयर वॉश करें, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट इससे मिलेंगे। सो व्यूवर्स, जो अब थर्ड मास्क है हमारा, थर्ड सिंपल एंड ईजी हेयर मास्क, वो है कोकोनट ऑयल मास्क। ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी स्कैल्प के लिए, हमारे बालों के लिए, नरिशमेंट के लिए, और 80% लोग कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। दोस्तों ये जो थर्ड हेयर मास्क है, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। जो फर्स्ट है वो है नारियल का तेल, ऑब्वियसली। जो सेकंड है वो है करी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता। आपको एक वेसल लेना है, पैन लेना है, आप पतीली ले लीजिए यानी कि तपेली ले लीजिए, या फिर आप एक एसएस का कोई भी कटोरा, कटोरी कुछ भी ले लीजिए। उसमें आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में नारियल का तेल डालना है, जितना आपके बालों में लगता है उतना। उसमें आप 4 to 5 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता अच्छे से बारीक क्रश करके भी डाल सकते हैं, या साबुत भी डाल सकते हैं, मतलब पूरा खड़ा कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। इसको आपको पकने के लिए रखना है फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट आप इसे पकने दें अच्छे से। जब ये गर्म हो जाए तो आप इसे उतार लें हीट पे से, गैस ऑफ करें, फिर आप इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसको छान लीजिए ताकि जो करी पत्ता का जो पत्ते हैं वो अलग हो जाएं और आपके पास जो बचे वो रहेगा सिर्फ कोकोनट ऑयल और उसमें साथ में कड़ी पत्ता का एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। इसको आपको अब बहुत अच्छी तरीके से फ्रॉम योर स्कैल्प, रूट्स और टिप्स तक पूरा बहुत अच्छे से आपको मसाज करके लगाना है। उसके बाद आप बालों को छोड़ दें इसी तरीके से, और 1 घंटे के बाद आपको अपने बाल धोना है। इसको आप एक रात पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि दिस विल नॉट बी मेसी। शहद वाला मास्क और बनाना मास्क आप एक रात पहले से नहीं लगा सकते हैं, उसको आपको इंस्टेंट लगाना है और इंस्टेंट वॉश करना है 1 घंटे में और 20 मिनट्स में। बट इसको ये जो कोकोनट ऑयल वाला मास्क है ये बहुत कन्वीनियंट है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा नरिशमेंट की उनमें कमी है, तो आप इसको एक नाइट पहले लगा लें वॉश करने से। एक रात पहले जो है आप इसे बहुत अच्छी तरीके से मसाज करें और सो जाएं। अगले दिन सुबह आप इसे वॉश करें, शैम्पू भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं वॉश करने के लिए, और फिर आप देखिए आपके बाल कितने सुंदर, खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगे। तो ये 3 सिंपल, ईजी
होम रेमेडी कह लीजिए आप इसे, या होम मेड मास्क कह लीजिए, जिसमें आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप आसान से घर में पड़े हुए सामान से इन मास्क को प्रिपेयर करिए, जिनके अंदर भरपूर बेनिफिट्स हैं और नरिशमेंट प्रॉपर्टीज़ है जो आपके बालों को बहुत ही खूबसूरत बना देंगी। तीनों ही मास्क के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुपर अफोर्डेबल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, बनाना है, कोकोनट ऑयल है, करी पत्ता है, या फिर शहद या ऑलिव ऑयल है, ये बहुत आसानी से हमारे घर पे ज़रूर ज़रूर होता ही है, तो आप बहुत आसानी से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट आई रिकमेंड यू इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो तीनों इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। ऑलिव ऑयल और हनी वाला जो हेयर मास्क है वो मैं स्पेशली उन लोगों को लगाने के लिए बोलती हूँ जिनके बाल ड्राई हैं और साथ में झड़ते बहुत ज़्यादा हैं। देन बनाना हेयर मास्क, हेयर फॉल का कोई खास इश्यू नहीं है, बट बाल खूबसूरत नहीं दिखते, रूखे सूखे और एकदम बेजान है। कोकोनट ऑयल प्लस करी लीव्स मल्टी बेनिफिशियल है, ये आप इसे रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपके बाल टूटते हैं, बहुत इजीली ब्रेकेबल हैं, ड्राई हैं, रफ हैं, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है जो, तो आप इन तीनों में से जो भी आपको आपके हेयर टाइप है उसके हिसाब से आप यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी। अभी ठंड जिस तरीके से बढ़ी हुई है और ड्राई विंड्स है, ड्राई वेदर है, इसमें जो बालों का लस्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और जिन लोगों को एकदम एक्सट्रीम ड्राई हेयर्स का प्रॉब्लम है, ये उसके उन लोगों के लिए ये जो रेमेडी मैंने बताई है, जो मास्क बताई है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आप प्लीज़ इसे यूज़ करिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट इससे मिले। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, लव यू ऑल।